तो दोस्तों आप लोग वीडियो में देख रहे हैं उल्लू की नई वेब सीरीज पलंग तोड़ गांव की गर्मी पार्ट वन एपिसोड नंबर टू। अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि रात को भाभी जी भैया जी के साथ पूरी तरीके से मजा ले रही होती हैं, लेकिन हमेशा की तरह भैया जी इस बार भी भाभी जी को धोखा दे जाते हैं क्योंकि इनकी बैटरी पहले ही डाउन हो जाती है, जिस वजह से भाभी जी का दिमाग खराब हो जाता है और इनको दो चार गंदी गंदी गालियाँ देकर अपने भूसके कोठरे में आती है और अपने फ़ोन में ब्लू फिल्म देखकर हस्तमुस्तैन करना लगती है। इधर इनके देवर जी की भी आंखें खुल जाती हैं और ये सुसु करने के लिए जब इधर की साइड आता है तो ये भाभी जी को हस्तमुस्तैन करता हुआ चोरी से देख लेता है, जिसको देखकर इसके अंदर भी अरमान जागने लगते हैं और ये भाभी जी के साथ पलंग तोड़ने का प्लान बना लेता है। अब भाभी जी अपना अधूरा काम पूरा करके अपने कमरे की तरफ लौट रही होती हैं तो बीच रास्ते में इनका देवर इनका रास्ता रोक लेता है और बोलता है कि भाभी जी आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है, मुझको पता है कि इस उम्र में भैया तुमको वो सुख नहीं दे पाते जो तुमको चाहिए, पर तुम टेंशन मत लो, मैं कब कमाऊँगा तुमको, जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझको बता दीजिए। इस बात को सुनकर भाभी जी अपने देवर की बातों का बुरा मान जाती हैं और अपने देवर से हटने के लिए बोलती हैं। फिर इसका देवर अपनी भाभी का रास्ता छोड़ देता है और भाभी जी कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। अब अगली रात फिर से भाभी जी भैया जी के साथ अपनी संतुष्टि मिटाने के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन भैया जी बोलते हैं अरे कल ही तो हमने किया था, मुझसे रोज़ रोज़ नहीं हो सकता, तुम सो जाओ कभी और देखेंगे। इस बात को सुनकर फिर से भाभी जी का दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर अचानक से भाभी जी को अपने देवर और देवरानी की आवाज़ें सुनने लगती हैं, जिन आवाज़ों को सुनकर भाभी जी मदहोश होने लगती हैं और दोस्तों फिर क्या, भाभी जी अगले दिन से ही अपने देवर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। अब एक दिन भाभी जी को मानसी के शरीर पर एक जख्म दिखाई देता है, जिसमें कि भाभी जी इस जख्म का कारण पूछती है तो मानसी समझाती है कि भाभी जी इसको BDSM सेक्स बोला जाता है, जिसमें कि एक लड़का एक लड़की के हाथ पाँव बांध कर पीछे से उसकी कमर पर बेल्ट बजाता है, जिसमें कि उन दोनों को काफ़ी मज़ा भी आता है। तो रात को तुम्हारे देवर जी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं और हम दोनों को काफ़ी मज़ा आता है। फिर दोस्तों मानसी भाभी जी को भी भैया जी के साथ BDSM सेक्स करने की सलाह देती है और भाभी जी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं और कहानी का एपिसोड नंबर टू भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको मत बताना चाहता हूँ एपिसोड नंबर थ्री की स्टोरी भी काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसको भी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें।